पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर है। यानी यह आयत नंबर 3 और 4 है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को ये बताया कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन जो आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं ना, ये जो आपको परेशान कर रहे हैं और आप तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इस पर अल्लाह ताला ने आपको बे इंतहा अजर का आपसे वादा किया और कहा, वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप आला अखलाक पर फायज़ है, आपके अखलाक बिल्कुल उम्दा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद इस्लाम लिया है, बाद ने कुरान मुराद लिया है। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है। अल्लाह ताला ने कहा ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा और नमूना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला अखलाक वाले थे, आप सबसे आला किरदार वाले थे। आपके अखलाक तो वो थे कि जिसकी गवाही दुश्मनों ने दी। आप पढ़िए अबू सुफियान को, जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तभी भी उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर चढ़ करके जब आपने ऐलान किया था, तब लोगों ने क्या कहा था, मा जर्रबना अली का इल्ला सिद्दीका, कि अल्लाह के नबी हमने आप पर कभी झूठ का तजुर्बा किया ही नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच बोला है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का तो क्या ही कहना, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को इख्तियार करें, आपके किरदार को हम पढ़ें, हम खुद अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो आपने फरमाया, काना खुल्कुहु अल-कुरआन, कि अल्लाह के नबी के अखलाक गोया कुरान थे। तो अगर अल्लाह के नबी से उसके अखलाक को जानना है तो आप कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ करके अपने अखलाक को सुधारो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जानोगे तभी अपने अखलाक को सुधार पाओगे। लिहाजा अजीज़ भाइयों, दोस्तों, मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने अखलाक की इस्लाह करें, हम अपने अखलाक को अच्छा बनाएं, अपने किरदार को अच्छा बनाएं। खुसूसन आज के माहौल में जो हमारा माहौल है, हाँ, जो हमारा माशरा है, उसमें इस बात की सख्त ज़रूरत है कि हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से बताएं कि हम मुसलमान हैं। आज मुसलमान झूठ बोलने के लिए मशहूर, धोखा देने के लिए मशहूर, गंदगी करने के लिए मशहूर, लोग मशहूर करते हैं, हालांकि इसमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है। धोखे देने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, झूठ बोलने वाले दूसरे भी लोग हैं, गंदे रहने वाले दूसरे भी लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मौजूद है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, थोड़ी ना थोड़ी हमारे अंदर मौजूद है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उसकी इस्लाह करें, हम अपने अखलाक को, अपने किरदार को संवारें, उसको अच्छा बनाएं, तब लोग हमसे मोहब्बत करेंगे, तब लोग हमारी तारीफ करेंगे, तब हमारा नाम होगा। लिहाजा अजीज़ भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को पढ़ो और अपने अखलाक और किरदार को भी वैसे ही बनाने की कोशिश करो। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है अमल की फ़दीलत। अमल की फ़दीलत में मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी परेशानी, जो कुछ भी मुसीबत मुझ पर और आप पर डालता है ना, वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा होता है। हमेशा याद रखिए, उस पर सब्र कीजिए। अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत और परेशानियों में ना डाले अपने गुनाहों के बावजूद, अपनी गलतियों के बावजूद, तो समझिए कि अल्लाह ताला वो हमारे लिए आखिरत में ज़खीरा कर रहा है और उसका बदला आखिरत में देगा। लिहाजा दुनिया में सज़ा मिल जाना ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि उसको आखिरत के लिए ज़खीरा कर दिया जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा अराद अल्लाह बिअब्दिही अल-खैरा अज्जल लहु अल-उक़ूबत फ़िद्दुनिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के साथ खैर का और भलाई का इरादा करता है तो उसे दुनिया ही में जल्द सज़ा दे देता है, और जब किसी बंदे के साथ अल्लाह ताला बुराई का इरादा करता है तो उसके गुनाहों की सज़ा को रोके रखता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन उसे पूरी पूरी सज़ा दे देता है। अल्लाहु अकबर। याद रखिए, दुनिया में अगर कोई मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, समझिए अपने गुनाहों का कफ़ारा है। एक बात समझिए यहाँ पर रुक करके, ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में मांग लें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दुनिया ही में दे दे। मत मांगिए, आप कहिए गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर दे। हाँ, अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानी, तकलीफ़ डालता है तो आप ये सोचें कि ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, हमारी गुनाहों की माफ़ी है, लिहाजा आप उस पर सब्र करें। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं डाल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उसको हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। तो अज़ीज़ भाइयों, ये मेरे और आपके लिए एक सबक है, गौर फिक्र करने का एक मकाम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको महफूज रखे गुनाहों से, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएँ, आमीन। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आई प्लस टी वी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।